Welcome to LearnDaddy.com. Today we will learn about sketch tools, circle and arc. चलिए देखते हैं हमारे कमांड मैनेजर में स्केच टूल में सर्कल और आर्क की कितने टाइप्स की होती हैं. सो अब मैं आ गया हूँ अपने सॉलिड वर्क के वर्क स्पेस में, या फिर मैं कहूँ तो ग्राफिक एरिया में. अब हम चेक करते हैं कि स्केच टूल में हमारे पास कितने टाइप्स के सर्कल और आर्क्स प्रोवाइड होती हैं. प्रीवियसली हमने स्टडी कर लिया लाइन के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, अब हम स्टडी करते हैं सर्कल के बारे में. सो मैं क्लिक करता हूँ सर्कल पे. सो सबसे पहले क्या है मेरा सिंपल सर्कल, सर्कल पे क्लिक करूँगा और दिस इज माई सर्कल क्लिक करूँगा और मैं इसमें डायमेंशन भी दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशन. अगर मैं इसमें एडिट करना चाहूँ तो इसका साइज चेंज कर सकता हूँ, मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ इसका डाया 50. तो ये मेरा सर्कल बन गया 50 डायमीटर का. अब देखते हैं सेकंड सर्कल कौन सा है. सेकंड सर्कल है हमारा पेरीमीटर सर्कल. देखते हैं पेरीमीटर सर्कल कैसे ड्रॉ होता है. तो पेरीमीटर सर्कल में देख रहा हूँ तो इसमें तीन पॉइंट स्पेसिफाई करने होते हैं. सो ड्रॉ करते हैं पेरीमीटर सर्कल. सो पेरीमीटर सर्कल का ड्रॉ करने के लिए मेरे को तीन पॉइंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. सो पॉइंट वन, पॉइंट टू एंड दिस इज माई थर्ड पॉइंट. सो सॉलिड वर्क में हमें टू टाइप्स के सर्कल प्रोवाइड होते हैं, वन इज सर्कल एंड सेकेंड इज पेरीमीटर सर्कल. अगर मैं इसमें डिफाइन करना चाहूँ तो इसको भी डिफाइन कर सकता हूँ, इसका डाया मैं दे सकता हूँ 50. सो सर्कल मेरा तैयार हो गया 50 mm का, क्योंकि मेरी डायमेंशन जो है mm में है. अब हम डिस्कस करते हैं आर्क के बारे में. स्केच टूल में हमें कितने टाइप्स ऑफ आर्क प्रोवाइड होती हैं. सो सबसे पहले देखते हैं सेंटर पॉइंट आर्क. सेंटर पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड पॉइंट. सो दिस इज माय आर्क. अब मैं चाहूं तो इसमें रिलेशन भी दे सकता हूं. जैसे प्रीवियसली हमने बात किया था कि हम रिलेशन हमेशा लाइन के बीच में नहीं दे सकते हैं, साथ साथ में हम पॉइंट के साथ भी रिलेशन दे सकते हैं. पॉइंट के साथ कैसे देंगे, मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और एक ओरिजिन का पॉइंट सेलेक्ट कर लिया. सो अब मैं इनमें रिलेशन दे सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का या फिर कोइंसिडेंट का. मैं इसमें कोइंसिडेंट का रिलेशन देता हूँ. तो देखते हैं ये जो पॉइंट हैं एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं या फिर कहें तो कोइंसिडेंट हैं. अब इसमें मैं स्मार्ट डायमेंशन करके स्केच को डिफाइन भी कर सकता हूँ. अब जो मेरा स्केच है वो फुल्ली डिफाइंड है. अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आर्क है हमारे पास, टेंजेंट आर्क. टेंजेंट आर्क तो हमें पता है कि ये टेंजेंट्स के बीच में बनती है. सो मैं ड्रॉ करता हूँ. सो दिस इज माय टेंजेंट आर्क.
नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी आर्क प्रोवाइड होती है। थर्ड इज थ्री पॉइंट आर्क। थ्री पॉइंट आर्क में क्या करना पड़ेगा, हमें तीन पॉइंट जो हैं सेलेक्ट करने पड़ेंगे। वन टू एंड थ्री। सो अब हमने जान लिया है कि स्केच में हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल। और हमने स्टडी कर लिया है कितने टाइप्स के लाइंस होती हैं हमारे पास, रेक्टेंगल हैं और सर्कल हैं, और साथ में हमने स्टडी करा आर्क के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल। इन दिस ट्यूटोरियल वी लर्न अबाउट स्केच टूल, सर्कल एंड आर्क। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो and thank you.